हेलो फ्रेंड्स, स्टोरेज के समय आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती होने वाली थी इस पर फिर से एक बार स्टे लग गया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये आज हमारे पास हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है और यहाँ पे दिया गया है, उत्तराखंड वन विभागों में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए आवेदन करने वाले करीब 2 लाख युवाओं को फिर झटका लगा है। मामला हाईकोर्ट में जाने के कारण इस भर्ती प्रक्रिया पर एक बार फिर से रोक लग गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर अवमानना याचिका दायर होने के बाद वन विभाग और उत्तराखंड अध्यक्ष सेवा चयन आयोग UK SSC ने भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। 1218 फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर भर्ती के लिए 21 मई 2018 को भर्ती निकाली गई थी, लेकिन दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की समायोजन की मांग को लेकर याचिका दायर करने पर हाईकोर्ट ने भर्ती पर कुछ समय बाद ही स्टे लगा दिया था। अक्टूबर में आयोग ने वन विभाग से भर्ती के तहत शारीरिक परीक्षा करवाने के लिए कहा था, इसके बाद वन विभाग तैयारियों में जुटा था। 1 नवंबर को हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई, जिसके बाद अदालत ने वन विभाग से पूछा कि स्टे ऑर्डर के बावजूद अधिकारी किस आधार पर भर्ती प्रक्रिया संचालित कर रहे हैं। इसके बाद वन विभाग और अग्निशमन सेवा चयन आयोग ने प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से जो फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती होने वाली थी, जो सारी प्रक्रिया होने वाली थी नवंबर में, इस पर एक बार फिर से रोक लगा दिया गया है। अब हाईकोर्ट के अगले आदेश के बाद ही भर्ती प्रक्रिया पर तस्वीर साफ हो सकेगी। उधर दूसरी ओर प्रमुख वन संरक्षक जयराज का कहना है कि कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के पदों पर भर्ती शुरू की थी, इस मामले में अदालत में याचिका दायर की गई है। अब कोर्ट के अगले आदेश के बाद ही प्रकरण में कुछ हो सकेगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जो फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती होने वाली थी नवंबर में, ये अब स्टे लग गया है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि 2 साल में 2 बार अटकी भर्ती प्रक्रिया। फॉरेस्ट गार्ड में 1218 पदों पर पहली विज्ञप्ति साल 2017 में जारी की गई थी। इसके बाद इसके लिए सरकार ने शैक्षणिक योग्यता इंटर साइंस और कृषि रखी। उम्र सीमा भी 24 साल थी। शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा को लेकर युवाओं ने विरोध किया तो वन मंत्री हरक सिंह रावत ने नियमावली में संशोधन का आदेश देते हुए भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया। तब तक 30,000 युवाओं ने आवेदन कर चुके थे। संशोधन के बाद मई 2018 में 1218 पदों के पर UK SSC ने दोबारा विज्ञप्ति जारी की। इसके शैक्षिक योग्यता इंटर सामान्य और उम्र 28 कर दी गई। इसके बाद 1.5 लाख से अधिक आवेदन आए। चयन आयोग ने पूर्व में 30,000 आवेदनों का भी वेद माना, इस तरह करीब 2 लाख आवेदन हो गए थे। और देखिए दोस्तों, ये नवंबर में होने वाली थी शारीरिक परीक्षा। यहाँ पे दिया भी गया है कि चयन आयोग ने नवंबर में शारीरिक परीक्षा कराने के लिए वन विभाग को तैयारियां करने के लिए कह दिया था। इसके बाद वन विभाग भी तैयारी में जुट गया था। नवंबर अंत में जिलावार शारीरिक परीक्षा कराई जानी थी। और देखिए यहाँ पे लिखा भी गया कि युवाओं के 4 करोड़ रुपये फंसे। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में सामान्य जाति के युवाओं के लिए 300 रुपये आवेदन शुल्क था, जबकि SC ST की बात करें तो 150 रुपये था। और ऐसे देखें तो 4 करोड़ रुपये प्रदेश भर के आवेदन वाले अभ्यर्थियों के लिए शुल्क जमा था। तो देखिए दोस्तों, अब जैसे ही फिर से कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती पर स्टे लग गई है।